जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं क्या? काबली पुलाव। अफगानी काबली पुलाव। अच्छा हाँ जी, बीफ बीफ वाला, और उसमें जो डलता है ड्राई फ्रूट वाला। ड्राई फ्रूट होता है, किशमिश होना चाहिए, धनिया, लहसुन है, और ये नली वाला मैंने गोश्त मंगाया। बीफ कौन सा पुलाव बना रहे हैं आप? ये काबली पुलाव। काबली, और ये बड़े शहर में बोटी करवाई हुई है मैंने। अच्छा, तो आज इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी इस पर हम यखनी निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको दम भी दिखाएंगे, दम में क्या क्या चीज़ डालते हैं। आप दोस्तों मेरे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको सब दिखाएंगे। खिला तो सकते नहीं, लेकिन आपको दिखाएंगे ज़रूर। चलो अच्छा है, कुछ तो बेकार है। बस काबली पुलाव के लिए अपनी तैयार हो चुकी है ये, और साल में ये चढ़ाने लगा हूँ। प्याज थोड़ा सा डालेंगे, इसमें इतना प्याज नहीं डालता, इसको वाई के रखना है। ठीक है, हल्का सा फ्राई करेंगे, इन्हें ब्राउन नहीं होने देंगे, तो इनका कलर वाइट रखना है। और साथ में ये साबुत गरम मसाला है, ये भी साथ डालेंगे। ये जो बीफ गलाया था, जिसकी जखनी निकाली है, ये इसके छोटी छोटी बोटियां निकाल ली हैं। ये हड्डी का अंदर वाला गुदा मैंने बीच में मिक्स किया है, तो अब इसको हम इसी में फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह काबली पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। मुझे पता है आप लोगों के मुंह से पानी आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों के खाने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, हमारा गोश्त थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो ये हम यखनी डालेंगे। इसको एक गोश्त देना, उबाल देना है, उसके बाद हम चावल डालेंगे। हमारा पानी बॉयल हो चुके हैं, इसमें मैं चावल डालता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। और साथ ये काली मिर्ची मैंने खुद कूटी है, मोटी मोटी, ये थोड़ी सी डाल देते हैं। और दूसरा ये स्टीम रोस्ट थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये अभी तैयार नहीं हुआ, हो रहा है। ये हैं कोफ्ते, ये भी तैयार हो चुकी हैं। मशल बहुत खुशबू आ रही है, मज़े के मज़े की काबली पुलाव की है। ये मेरे बॉस की फरमाइश है कि कोई नए तरीके से चावल बना के दें, इसलिए मैंने ये चूज़ किया, प्याज चेंज कर देते हैं। दोस्तों ये हमारे चावल लगाएंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट का दम देंगे। दो मज़ेदार चावल तैयार हैं, खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ज़रा दिल थाम के रखिएगा।